तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज है संडे और मैंने जैसे कहा था कि एक क्वेश्चन आंसर सेगमेंट रखने वाले हैं जिसकी थीम में रखूंगी आपके सवाल मेरे जवाब, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो और मैं हर एक कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ, हालांकि मैं पढ़ लेती हूँ बहुत सारे कमेंट। तो आज वही वाला कि मैंने आपके सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। बहुत सारे कमेंट तो सेम थे तो उनका हम रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जो कमेंट मतलब हैं सच में आंसर देने लायक उनका मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आपने ढेर सारे कमेंट कर दिए और मैं कोशिश वैसे करूंगी कि हर एक कमेंट को पढ़ूँ और हर एक कमेंट का अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करूँ। तो बिना देरी किए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चल रहा है। निधि भारद्वाज जी का क्वेश्चन है कि मैम आप प्लीज़ कंटिन्यू शॉर्ट नोट्स दीजिए टॉपिक वाइज, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो निधि जी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़रूर मतलब रेगुलर आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं मैं कंटिन्यू रखूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, मेरी जिम्मेदारी है। अगर 2 महीने में एग्ज़ाम होती है, अक्टूबर में भी एग्ज़ाम होती है, तो जलवायु विज्ञान और चिंतक और कार्टोग्राफी, ये 3 चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर लेट होती है एग्ज़ाम तो लगभग सारी ज्योग्राफी अपन कवर कर लेंगे, ये आप पेड़ पे छोड़ दीजिए। फिर है खान मोहम्मद जी का, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए कौन से बुक पढ़े। तो खान मोहम्मद जी, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, उसमें मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी से तैयारी कैसे करें, वो सारी मैंने एक लिस्ट बना रखी है। तो आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी स्ट्रेटेजी मेरी पता चल जाएगी। केमिस्ट्री क्लासेस भाई एम आर यादव, उनका कमेंट है एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाते थे आप। तो कौन है, क्या एम आर यादव सर, मतलब ज़रूरत नहीं है हमें कि लास्ट टाइम पे हमें किसी अदर सोर्स से मोटिवेशन ढूंढने की मतलब ज़रूरत पड़े। देखो, अगर हम सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, तो एग्ज़ाम का लास्ट टाइम ऑलरेडी ऐसा टाइम होता है जब हम खुद पागलों की तरह पढ़ रहे होते हैं, है ना। और एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगी, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका वो फाइनल एम है ना, और आप बहुत सीरियस हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को, उस नौकरी को अपने एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन बना लीजिए कि अगर यह नौकरी नहीं मिली तो यूँ सोचिए दुनिया में मेरा अस्तित्व ही नहीं है और यह मेरे पास में आखिरी मौका है। बस ये सोचिए, नौकरी है तो मेरी पहचान है, नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। और ये सच बात होती है हमारे मीडियम फैमिली के लोगों के लिए, हमारी पहचान हमारी नौकरी से ही होती है आजकल यार, मतलब कंपटीशन का ज़माना, आपको भी पता है, ठीक है। तो अगर आप जिस दिन आप खुद से मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे कि मुझे किसी और के लिए नहीं, मुझे पापा के लिए नहीं, मुझे मम्मी के लिए नहीं, मुझे रिश्तेदारों के लिए नहीं, दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं, मुझे अपने आप की पहचान बनाने के लिए जॉब लगना है, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद अपने अंदर से इतने ज़्यादा इस मोटिवेट होंगे कि मतलब आपको लगेगा यार इतना कम टाइम बचा है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इधर उधर नहीं देखने, मोटिवेशन के वीडियो भी नहीं देखने, अब बस मुझे सिर्फ पढ़ना है ना, यही सोच के पढ़िए। एक ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू रखे, 15 मिनट का वीडियो मैम। हाँ तो जी हाँ, नाम इनका है, नाम नहीं पता, कट किया मैंने, स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो इनका जो भी नाम है, हाँ तो ज्योग्राफी रिवीजन वाले वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। दीपक कुमार मैम, स्कूल व्याख्याता में एमए में कितनी परसेंटेज मांगते हैं। आई थिंक शायद 55% मांगते हैं जनरल वालों के लिए, मैं जनरल से हूँ तो 55 ही मांगते हैं, हाँ 55% होने चाहिए एमए में, और अगर आप अदर कास्ट से हो तो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, जनरल वालों के लिए 55 है। और इसका शायद जवाब बच्चों ने दे भी रखा है। राजेंद्र, इंडियन आर्मी बोल रहे हैं, मुझे ये बताओ कि क्या ज्योग्राफी के लेक्चरर अदर स्कूल में ज्योग्राफी प्रैक्टिकल ले सकते हैं क्या, और क्वालिफिकेशन होने चाहिए। बिल्कुल, ज्योग्राफी के लेक्चर जो है वो अदर स्कूल में प्रैक्टिकल लेने जा सकते हैं। जैसे अभी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो गए तो मुझे बाकायदा जो मतलब एग्जामिनर बना के दूसरे स्कूल में प्रैक्टिकल लेने भेजा जाए, प्रैक्टिकल मीन्स वाइवा लेने भेजा जाएगा। प्रैक्टिकल तो वहाँ के स्कूल ही ऑर्गेनाइज करवाती है, बट वाइवा लेने भेजा जाएगा, मतलब एज ए एग्जामिनर भेजा जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम मेरे सामने होंगे और मैं उनकी पूरी जाँच करूँगी। तो जी हाँ, ज्योग्राफी के लेक्चर अदर गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में भी प्रैक्टिकल लेने जाते हैं। विजय सिंह जी मैम, हर रविवार को साप्ताहिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो बनाएं जिसमें पुराने प्रश्न पत्र और महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र समाहित हो। तो विजय सिंह जी देखो,
आप सब लोग है ना बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हो, और ना मैं अकेली हूँ। मतलब देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम फर्स्ट पेपर, मतलब स्कूल लेक्चरर फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करवा दीजिए, दूसरा मेरा जीके करंट अफेयर्स का वीडियो भी नहीं आ रहा, और तीसरा शॉर्ट नोट्स भी आपको कंटिन्यू चाहिए, ऊपर से मैं जॉब में भी हूँ, ऊपर से कि मतलब कुछ खुद खुद के पर्सनल काम भी होते हैं, तो सारी चीज़ें ना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाती। आप समझा करो कि अकेले से, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा चैनल है और मेरे पास में बहुत बड़ी एक टीम है मैनेज करने के लिए। अभी मैं अकेले ही सारा काम संभाल रही हूँ, और बिकॉज़ आई एम नॉट इन माई होम डिस्ट्रिक्ट, कि अगर मैं वहाँ पे मेरा थोड़ा स्टूडियो भी मैनेज कर पाऊँ, जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में होगा मैं टीम और स्टूडियो वगैरह मैनेज करूँगी, बट अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर यार मैं दिन का एक ही वीडियो ला सकती हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझा करो। जब ये वाली सीरीज पूरी हो जाएगी तो आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग हम चला लेंगे। फिर भी अगर आप लोग ज़्यादा लोग डिमांड करते हो कि संडे को एक ऐसा क्वेश्चन होना है, मतलब एक ऐसा सेगमेंट होना चाहिए जिसमें पुराने पेपर आंसर हम डिस्कस करें, तो अगर मतलब एक मतलब ढेर सारे अगर कमेंट आते हैं जिसमें मुझे ये लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ेंगे, तो मैं ज़रूर इस पे बनाने की कोशिश करूँगी। महेंद्र यादव जी कह रहे हैं मैम प्लीज़ क्विक टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कंटिन्यू प्लीज़, तो हाँ कंटिन्यू रहेगा। आरती शर्मा जी कह रही हैं हेलो मैम प्लीज़ मुझे ये बताइए कि फर्स्ट पेपर की गाइड प्रॉपरली चाहिए, फर्स्ट पेपर की प्रॉपरली गाइड चाहिए, और मेरे पास में बायो सब्जेक्ट है तो मुझे फर्स्ट की प्रिपरेशन में आप प्लीज़ कोई चैनल बता दो। जी बायो के लिए मुझे नहीं पता है कोई चैनल, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट का ही ध्यान देती हूँ आरती शर्मा जी, तो सॉरी बायो सब्जेक्ट के लिए मुझे नहीं पता। और फर्स्ट पेपर की गाइड के लिए जो आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दोस्तों, वो देखो मैंने आज निकाल के ही रखी है, मैंने उस टाइम पे किताबें खरीदी थी। ये देखो, अगर ये मैंने मिरर वाले पे नहीं रखा, ये है प्लस एजुकेशंस सीरीज की कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा का 2021 का नवीनतम संस्करण है, जिसमें जीके थर्ड पेपर के मॉक टेस्ट है, ये कॉलेज व्याख्याता वाला है, ठीक है। तो इससे मैंने, और डॉक्टर बीसी जाट का है, मुझे बहुत कम मिले थे कॉलेज व्याख्याता वाले, मैंने यही खरीदे थे, और इससे मैंने मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। इसमें पेपर दे रखे हैं बहुत सारे, मतलब 20 मॉक टेस्ट के पेपर दे रखे हैं। तो आपको पता है अगर आप कॉलेज व्याख्याता ले लो या फिर ज्योग्राफी व्याख्याता ले लो या फिर नेट ले लो, लगभग सेम साइज सिलेबस आता है। तो मैंने एक तो इससे सॉल्व किए थे, इसके अलावा देखो ये वाली बुक है, एक ये वाली मिरर इमेज नहीं दिख रही होगी, मैं आपको ना कम्युनिटी में इन तीनों बुक्स की फ़ोटो दे दूंगी। गरिमा पब्लिकेशंस की बुक है सहायक आचार्य परीक्षा 20 जनवरी 2021 को नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, ये भी मतलब आप हेल्प ले सकते हो इनकी भी, मतलब ये कॉलेज लेक्चरर के लिए है, इनमें भी मॉक टेस्ट के पेपर दिए हुए हैं, मतलब ये सेम सिलेबस होता है अपना, तो इसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। और एक गरिमा पब्लिकेशंस की ही, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, इसमें भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं अपने, तो ये खरीद सकते हो। ऐसे ही कोई भी मॉक टेस्ट आपको अगर कोई भी गाइड मिलती है तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। मैं आपको फिर से कहूँगी सारी गाइडें अच्छी नहीं होती, सारी मतलब कोई भी गाइड अच्छी नहीं होती है, आप सिर्फ हेल्प के लिए वहाँ पर खरीद सकते हो कि आपको सिर्फ टेस्ट देना है, बाकी आप गाइड पे अंधाधुंध भरोसा मत कीजिए। आपकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन्हीं से कई बहुत सारी गाइड में, जैसे एक क्वेश्चन पेपर हम हल कर रहे हैं ना, उनसे एक दो आंसर तो उसमें गलत ही होते हैं। तो आप अगर आपको किसी पे शक हो रहा है तो या तो आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए चैनल पे, या फिर ना आप ना अपनी बुक में जाके एक बार उसे कंफर्म कीजिए, क्योंकि कोई भी गाइड बहुत अच्छी नहीं होती है, गाइड सिर्फ हमारी मतलब रिविजन के लिए होती है, बाकी कुछ नहीं। और राधे राधे जी का कमेंट है मैम थॉट याद नहीं होता है, ज्योग्राफी के शॉर्टकट हो तो हमें कुछ समझा दो। तो राधे राधे जी, शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता है, पढ़ाई के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। थॉट याद नहीं होते हैं तो मैं मतलब ऐसे थॉट नहीं याद होते, ऑब्वियसली रटने वाली चीज़ें, तो मैं भी ऐसा ही करती थी कि पहले हम प्रॉपरली उसके एक बार बुक्स पढ़ लें, बुक के साथ साथ सेकेंड रिविज़न में हम उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, और फिर जब भी हम जैसे कि आज इतनी शॉर्ट नोट्स बनाएं, कल जब हम पढ़ रहे हैं पीछे वाले का रिविज़न करें, परसों हम पढ़ रहे हैं तो पिछले 2 दिन का रिविज़न करें अपनी कॉपी में से, अपने शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में से, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा रटोगे उतना ही ज्यादा मतलब याद होगी, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। शाहिद खान जी बोल रहे हैं स्मार्ट स्टडी के बारे में बताइए। स्मार्ट स्टडी यार मैं ऐसे समझती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, और अपने सिलेबस को अपने साथ रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, जो सिलेबस में लिखा गया है उससे बाहर कुछ मत पढ़िए, और सिलेबस में भी आप ये छांटिए कि बड़े बड़े जो नंबर हैं उनके कौन सी चैप्टर्स हैं उन पर जोर दीजिए, उनके कौन सी किताबें हैं, जो छोटे नंबर की किताबें हैं जैसे MA लेवल का सिलेबस है उसको थोड़ा सा आप गाइड में से पढ़ सकते हैं, उसको थोड़ा आप कम
वो दे सकते हैं। बाकी 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ी है, साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जो भी है अपनी उस पर बहुत ज़्यादा जोर दीजिए, थॉट्स पे जोर दीजिए। दो तीन चीज़ें हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अपनी ज्योग्राफी के लिए तो स्मार्ट स्टडी यही है कि जो ज़्यादा नंबर की चीज़ें हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। नेहा व्लॉगिंग जी का क्वेश्चन है, मैम मैं एक हाउसवाइफ हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के लिए किस तरह से तैयारी करें। तो नेहा जी देखो, मैं हिस्ट्री से नहीं हूँ, मैं ज्योग्राफी से हूँ। अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि स्कूल व्याख्याता के लिए फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। बाकी आई एम सॉरी, हिस्ट्री के बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मैम। प्लीज़ सुरेंद्र जी का है, शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवा दो, तो PDF उपलब्ध करवा दो। हाँ, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, इसका एक साथ जवाब दे देती हूँ। देखो, मैं PDF नहीं उपलब्ध करवाऊंगी, मैं आपको ऑलरेडी एक बहुत अच्छी चीज उपलब्ध करवा रही हूँ अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बना के। अगर आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगी तो आप लिखने की मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अपने शॉर्ट नोट्स हाथ से नहीं लिखोगे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो प्लीज अपनी कॉपी बनाइए, एक पेज दिन का पढ़ा रही हूँ, उसको लिखना मुझे नहीं लगता कोई बहुत हैवी वर्क होगा। 15 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट में आप उसे उतार सकते हो, ठीक है। PDF मैं नहीं उपलब्ध कर पाऊंगी, ये मेरे थॉट्स हैं। देखो, मुझे टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक पूछते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स को जो वीडियो आते हैं उनकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे मतलब शेयर करती हूँ, लेकिन आपको इन वीडियोस के PDF नहीं उपलब्ध करवाऊंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है कि मैं टेलीग्राम पे भी हजारों फॉलोवर बना लूँ, उधर से भी पैसे कमाऊँ, मुझे नहीं चाहिए है। लेकिन मुझे बस इतना सा चाहिए कि मैं जिनको पढ़ा रही हूँ, जो सीरियसली मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, वो थोड़ी सी मेहनत खुद से भी करें, ताकि जो लिख रहे हैं अगर अपने हाथ से लिखोगे तो यकीन मानिए बहुत कुछ दिमाग में जाएगा। इसके अलावा कि आप PDF लेके रख दोगे और कि भाई लास्ट टाइम पे PDF पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता यार, वो लास्ट टाइम कभी नहीं आता। मेरे साथ साथ मेहनत कीजिए तभी सफलता मिलेगी। सुमन यादव जी, मैम फर्स्ट ग्रेड की डेट एक्सटेंड हो गई क्या? तो दोस्तों मुझे नहीं पता, और आप इन थ्योरी में यकीन भी मत कीजिए कि एक्सटेंड होगी नहीं होगी, ये सब बाद की बातें हैं यार। अभी लक्ष्य ये रखिए कि हमारी अक्टूबर में एग्जाम है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। जो लोग इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं डेट एक्सटेंड होगी, वो पीछे रह जाते हैं। यकीन मानिए कि आप बस यही लेके चलो कि एग्ज़ाम इसी डेट को है और मुझे इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अगर एक्सटेंड हो रही है तो हमारे लिए बहुत अच्छा, नहीं हो रही है तो हमारी तैयारी जितनी हो सकती है उतनी भरपूर तैयारी कर लीजिए अभी के लिए। विक्रम गुजर का क्वेश्चन है, मैम आपकी RS मेंस की सारी कॉपी सेंड करना। तो मेरे पास सारी कॉपियां पड़ी हैं RS मेंस की, सेंड करूंगी, लेकिन थोड़ा सा यार टाइम तो दो, ये वाली सीरीज पूरी हो जाए उसके बाद में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। मनोज सैनी जी कह रहे हैं, मैम आप एक टेलीग्राम चैनल भी बना लीजिए, उस पर कुछ स्टूडेंट्स के नोट्स और क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स और क्वेश्चन प्रोवाइड भी करवा सकते हो क्या? तो इतना स्पेशली नहीं होगा मेरे लिए, किसी स्पेशल स्टूडेंट के लिए मैं अलग से करूँ। टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है, मैं डेली शॉर्ट नोट्स की वीडियो जो डेली हमारे करंट अफेयर्स अगर मैं पढ़ाती हूँ तो उनके जो PDF है वो वहाँ पर शेयर करती हूँ, लेकिन अलग से इस चैनल की PDF, इस वाले सीरीज की PDF मैं नहीं उपलब्ध करवाऊँगी। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आपका टेलीग्राम चैनल है क्या? जी है, द सक्सेस रजनी के नाम से ही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी ID दी हुई है, आप डायरेक्ट जाके वहां से फॉलो कर सकते हो। भीम ज्योग्राफी जी का फिर यही, मैम शॉर्ट नोट्स की PDF भी डाला करो, एक बार आपसे समझने के बाद हम उनको रिवाइज करेंगे तो बेटर होगा हमारे लिए। आप रिवाइज कीजिए, बिल्कुल कीजिए, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आप अपने हाथ से उन्हें लिखिए जैसे मैं लिखती हूँ, फिर उनको रिवाइज कीजिए। यकीन मानिए आज आपको थोड़ा सा इस चीज़ में बर्डन लग रहा होगा, लेकिन कल आप इस चीज़ के लिए बहुत खुश होंगे कि हाँ हमने इस तरह से मेहनत करी। अनीता कुमारी का क्वेश्चन है, मैम प्लीज़ शॉर्ट नोट्स कंटिन्यू करवा लो। तो कंटिन्यू रहेंगे अनीता जी, आप चिंता मत कीजिए। मनोज सैनी जी का, मैम आप टेलीग्राम चैनल भी बना लो, ये सब हो गया। बायोलॉजी बाबूलाल जी का क्वेश्चन है, मैम मैंने भी BSc कंप्लीट किया है और बायोलॉजी से लेक्चरर बनना चाहता हूँ, MSc रेगुलर करूँ या ओपन से कर लूँ? साइंस को मैंने ऑलरेडी बढ़िया बना लिया है, प्लीज़ प्रोवाइड मी एडवाइस। तो अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग प्राइवेट कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम बखूबी है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा है आप ओपन से प्राइवेट कर लो और उसके साथ साथ 2 साल इधर कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके या सेल्फ स्टडी से अपनी मतलब लगातार तैयारी करते रहो फर्स्ट ग्रेड की या फर्स्ट पेपर की, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, इससे बजाय कि आप डेली कॉलेज में जा रहे हो टाइम पास कर रहे हो। क्योंकि हमारे टाइम पर हमें इतनी समझ नहीं थी, हमने रेगुलर करी, बट आज के टाइम पर आपकी जनरेशन बहुत एडवांस है, तो आप कर सकते हो कि आप मतलब उधर ओपन से अपनी MA चालू रखो और इधर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, है ना। निर्दोष गोधेश्वर का क्वेश्चन है, मैम मैं
एमपी से हूँ और टेट ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा हूँ। नोट्स कैसे बनाऊँ, शॉर्ट नोट्स वाले प्लीज़। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल साइंस की मुझे कोई जानकारी नहीं है, आई एम सॉरी। और आप वैसे किसी भी, जैसे मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वैसे आप अपनी बुक्स लेकर कर सकते हो। इतना कोई हार्ड नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाना जितना आप लोगों ने ऐसे सर पे ले रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कविता कासवान जी का क्वेश्चन है, मैम लगातार वीडियो डाला करो ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी। मैम मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है तो कुछ मैटर, प्लीज़ वीडियो डाला करो मैडम। तो वीडियो डालेंगे कविता जी, चिंता नहीं करो, वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। धीरज वर्मा जी का क्वेश्चन है, मैम ज्योग्राफी शॉर्ट नोट सीरीज कंटिन्यू रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो इट्स ओके, ऐसा कुछ आभार नहीं है, मैं कंटिन्यू रखूंगी। कीर्ति मेहता जी का क्वेश्चन है, मैम प्लीज़ आप फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स वाले टॉपिक भी करवाओ प्लीज़। यार दो वीडियो एक दिन में मेरे से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स की पहले मैं खुद बुक पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स का मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, फिर उसका वीडियो बनाती हूँ, फिर उसको अपलोड करती हूँ। अपलोड करने के लिए बहुत सारी एडिटिंग चाहिए होती है, और फिर मैं न्यूज़पेपर पे खुद के लिए तो पढ़ लेती हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बनाना और अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यार दो वीडियो हो नहीं पा रहे मैनेज, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 5-6 दिन में एक करंट अफेयर का वीडियो ज़रूर आएगा, तो मैं उसमें 5-6 दिन के समेट के लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन डेली के दो वीडियो मेरे से थोड़ा सा कम पॉसिबल होगा। संतोष शर्मा जी, मैम साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए आपने क्या पढ़ा था प्लीज़ बताइए। हाँ ये देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और संतोष शर्मा जी ही हैं शायद वो जिन्होंने बार बार ये क्वेश्चन। साइकोलॉजी के लिए आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने अजय चौधरी की साइकोलॉजी पढ़ी थी, राजस्थान जीके विद अजय चौधरी, ये एक चैनल है जिसमें ना मैंने रीट की तैयारी जब करी थी थर्ड ग्रेड के लिए, मैंने थर्ड ग्रेड की ऐसे स्पेशल तैयारी नहीं करी थी, उस टाइम मैं आरएएस की पढ़ रही थी, लेकिन है ना मैंने देखा थर्ड ग्रेड के सिलेबस में साइकोलॉजी है जो उस टाइम हमारे आरएएस में बिल्कुल भी नहीं चला करती थी, तो मेरे को लगा ये क्या होता है ना। तो मैंने उस टाइम कोई बुक्स नहीं खरीदी थी, बट मैंने अजय चौधरी का चैनल फॉलो किया था, उन्होंने सारी रीट की साइकोलॉजी पढ़ा रखी थी और मैंने उन्हीं से पढ़ी थी। यकीन मानिए इतना शानदार तरीके से पढ़ाते हैं अजय चौधरी सर कि मैंने ना ना कोई बुक खरीदी साइकोलॉजी के लिए, ना कोई मैंने गाइड खरीदी साइकोलॉजी के लिए, सिर्फ उनके साइकोलॉजी में से मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे। फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी मोस्टली मैंने उधर से ही कवर कर ली थी, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड और रीट के साइकोलॉजी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो यूनिट्स का डिफरेंस है, जो यूनिट्स इधर अवेलेबल नहीं थी ना वो मैंने थोड़ी बहुत मतलब ऐसे, अब मुझे याद नहीं है उस गाइड का नाम, ऐसे ही कोई गाइड खरीद ली थी वहाँ से करी थी, तो और मतलब उसके मैंने थोड़े से पेपर सॉल्व कर लिए थे उस गाइड में से। तो आप भी अजय चौधरी सर का चैनल फॉलो कर सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं और साइकोलॉजी तो मैं कहूँगी बहुत ही शानदार है, तो आप उधर फॉलो कर सकते हो। शंकर चौधरी जी का क्वेश्चन है, 2018 की वैकेंसी वाला फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दिया था, तब मेरे 260 नंबर आए थे, मेरा एमए चल रहा है बट मैंने पेपर देखा तो लगा ज़्यादा हार्ड नहीं है, हालांकि स्टडी मैंने बहुत की थी, तो क्या फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट का पेपर ऐसा ही आता है। देखो दोस्तों, जब तक हम ना असली एग्ज़ाम में नहीं उतरते हैं सीरियस होकर, तब तक हमें ऐसा ही लगता है कि यार इतना कोई हार्ड नहीं है। जब मैं बीए में थी ना, तो मैं ऐसे आरएएस के पेपर देखा करती थी, तो मैं पापा को ऐसे, देखो पापा इतने नंबर तो अभी बन रहे हैं, जब मैं दूंगी तो सोचो मेरे कितने नंबर बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस दिन हम एग्ज़ाम में कूदते हैं ना, उस दिन हमें वही पेपर बहुत 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 हार्ड लगता है। हालांकि जब हम आज जैसे हम कोचिंग ले रहे हैं ना, हम पुराने पेपर देखेंगे, अरे यार इतना ईजी पेपर आता था, हमें भी ऐसा लगेगा। लेकिन वही पेपर जब हम एग्जाम हॉल में बैठ के दे रहे होते हैं, हमें बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि जितना इजी पेपर होता है ना उतनी ही ज्यादा माइनस मार्किंग चली जाती है। तो कोई भी पेपर इजी नहीं होता, खासकर आजकल के एग्जाम का, तो कोई भी पेपर, फर्स्ट ग्रेड तो दूर की बात है, थर्ड ग्रेड भी ले लो आप, कोई भी पेपर ले लो, कोई भी आसान नहीं होता है। तो इतना हल्के में मत लीजिए, फर्स्ट ग्रेड का पेपर इजी नहीं आता है, एक लेवल का पेपर आता है, और अगर आप ढंग से सीरियस होकर तैयारी करोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। फनी वीडियोस का क्वेश्चन है, मैम क्या आप आरएएस मेंस की कॉपी शेयर कर सकते हैं, आरपीएससी की मार्किंग के बारे में हमें जानकारी मिले तो बिल्कुल कॉपी शेयर कर देंगे। विजय सिंह जी, मैम एक टेलीग्राम ग्रुप बना लो, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर सकते हो। हरियाणवी डांस मुनेश यादव जी का क्वेश्चन है, प्लीज़ गिव मी सजेशन फॉर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फॉर फर्स्ट ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों, एक तो मूमल पढ़ लो, मूमल बहुत अच्छी आती है, साथ ही कोई भी एक चैनल फॉलो कर लो जो आपको बेस्ट लगता है कि डेली के करंट अफेयर्स उसमें से ले लो, और 6 मंथ्स के एक मूमल ले लेना, लास्ट 2 मंथ्स के एक मूमल ले लो, 6 महीने के एक मूमल ले लो, और अगर थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहते हो तो एक चैनल कोई भी फॉलो कर लो करंट अफेयर्स का, आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। एक और मुनेश यादव जी का क्वेश्चन है, गुड इवनिंग मैन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट ग्रेड बट आई हैव ओनली 3 मंथ्स एंड आई हैड प्रिपेयरिंग फ्रॉम जुलाई, यू इंस्पायर्ड मी अलॉट लाइक योर इंडिपेंडेंस डे स्कूल वीडियो और यू आर वेरी प्रिटी, तो थैंक यू।
टेलीग्राम चैनल, बलवंत सिंह जी का क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल बनाकर शॉर्ट नोट डाल दो, क्वेश्चन पहले ही मैंने उत्तर दे दिया है। मुखराज जी का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट सीरीज टू एवरी संडे मस्ट बी प्रोवाइड एज बाई यू। हाँ, तो मस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, चिंता नहीं करो। श्रीदास मीना जी का क्वेश्चन है, मैडम क्या आपने आरएएस की तैयारी बंद कर दी है, प्लीज़ जवाब दीजिए। देखो दोस्तों, एक तो जॉब लग चुकी है, देखो दोस्तों एक तो हाल फिलहाल मैं अभी जॉब में हूँ तो उतना टाइम नहीं निकाल पाती। जब मैं पहले आरएएस की तैयारी कर रही थी तो चैनल तो दूर की बात है, मैं किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं थी, मतलब ना मेरी फेसबुक है, वो आज भी नहीं है, बंद पड़ी है पता नहीं कब से, ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सअप भी मैंने लगभग बंद कर रखा था, तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैक से मैं दूर थी। तो अभी मेरी हाल फिलहाल आरएएस के लिए ऐसे कोई ताबड़तोड़ वाली तैयारी नहीं चल रही है, बट चैनल चलाने का मकसद भी यही है कि मैं लगातार अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँ, मतलब पढ़ाई में लगातार करती रहूँ। और देखो मतलब शादी भी हो चुकी है तो बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, आप उस चीज़ को समझते हो। आरएएस की तैयारी अलग से नहीं कर रही हूँ स्पेशली, लेकिन जिस दिन आरएएस की वैकेंसी आएगी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फिर से मतलब चैनल वैनल बंद करके फिर से मैं अपने आरएएस के प्रिपरेशन के लिए लग जाऊँ, क्योंकि आरएएस इज नॉट ए कि हम अलग से टाइम में इसी टाइम में वो भी पढ़ते रहें ये भी पढ़ते रहें, ऐसा नहीं होता है। अभी चैनल चलाने का मकसद यही है कि मेरी खुद की भी पढ़ाई होती रहती है, इस बहाने कि मैं एकदम ऐसे पढ़ाई छोड़ के नहीं बैठ जाऊँगी, यार एग्जाम तो है नहीं, पढ़ लेंगे एग्जाम आएगा तब, तो पढ़ाई भी हो रही है साथ ही आरएएस की वैकेंसी आएगी तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फिर से आरएएस का एक और अटेम्प्ट दूं और पूरा सीरियस होके दूं, तब चैनल नहीं चलेगा, तब मैं पूरा सीरियस होके ही तैयारी करूंगी। इसके अलावा मिथिलेश कुमार का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए लास्ट टाइम कैसे कवर करें, प्लीज़ बताइए मैम लास्ट टाइम कैसे मैनेज करें। तो लास्ट टाइम मैनेज के लिए यही है, अभी से शॉर्ट नोट्स बना के तैयार रखिए। लास्ट टाइम जब होता है, लास्ट के 5-6 दिन होते हैं, शॉर्ट नोट्स को बार 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 क्या करिए, रिविज़न कीजिए, साथ ही मॉडल टेस्ट पेपर, चाहे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे, मैं तो कहता हूँ टेस्ट सीरीज वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है यार, को मतलब सिंपल गाइड ले आइए, 20-20 पेपर एक गाइड में होते हैं, रोज़ के 2-2 पेपर भी सॉल्व करोगे बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। किताबें देख के जाइए, राइटर किस राइटर की कौन सी किताबें हैं, थॉट्स वाली बुक को अच्छे से पढ़िए, फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें क्लाइमेटोग्राफी भी आ गई, अपनी ओशियनोग्राफी भी आ गई और अपनी भूआकृति भी आ गई, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, अपने शॉर्ट नोट तैयार रखिए, बार बार रिविजन कीजिए, एक ही सफलता की कुंजी है, बार बार रिवाइज करो। मोनू सैनी कह रहा है, मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ग्लोबलाइजेशन एंड इसका प्रभाव पर ग्लोबल विंड सिस्टम वाला टॉपिक सेकेंड ग्रेड लेवल का पढ़ा देना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ग्लोबलाइजेशन एंड इसका प्रभाव, अच्छा वैश्वीकरण और उसका प्रभाव और ग्लोबल विंड सिस्टम वाला टॉपिक, विंड सिस्टम वाला टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, चिंता नहीं करो। नरेश सिंह मीना का क्वेश्चन है, हेलो मेरा नाम नरेश, मैं फर्स्ट ग्रेड की कॉमर्स टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत हताश हो गया हूँ क्योंकि मैंने लाइफ मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी जी जान लगा कर करी, कभी 1-2 नंबर से रहा। तो नरेश जी ये आपकी स्टोरी नहीं है कि आप 1-2 नंबर से रहे हो, आपने बहुत सारी एग्जाम दिए और बहुत सारे फेल हुए हो। अगर आपने मेरा जर्नी वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि सक्सेस होने के लिए हमें कितनी बार फेल होना पड़ता है। और ये नहीं है कि हम फेल हो रहे हैं तो हम कमज़ोर हैं या हम निराश हो जाएं, हम हताश हो जाएं, खुद पे भरोसा खुद को रखिए। बस मैं एक चीज़ कहूँगी कि सुबह जब भी आप उठें और जब भी आप मिरर में अपना चेहरा देखें तो आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि यस आई एम ऑन राइट पाथ, बाकी दुनिया कुछ भी कहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा है कि आप जिस लक्ष्य के लिए आज खड़े हो उसके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो यकीन मानिए कि जितनी बार आप फेल हुए हो ना उतनी ही बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस कंटिन्यूटी रखिए, मेहनत मत छोड़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेरा आपसे मतलब 100% वाला दावा है, मैंने अपनी लाइफ में इसे एक्सपीरियंस किया है इसलिए आपको भी बता रही हूँ। रूपल जी कह रहे हैं, मैम आपके नोट्स PDF में अवेलेबल, इसका जवाब दे दिया है। राज यदुवंशी कह रहा है, मैडम मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन चीज़ों को कैसे कलेक्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ या नहीं, उसे जारी रखे हैं नहीं, मैडम टेस्ट जरूरी है क्या। टेस्ट सीरीज देखो अगर आपके पास में संसाधन अवेलेबल है तो आप कर लो, बहुत अच्छा है, हेल्प करते हैं। आपके अवेलेबल नहीं है तो आप लोग सामान्य गाइड खरीद सकते हैं, मॉक टेस्ट वाली गाइड खरीद सकते हैं, उसमें से डेली आप सिंसियर होकर खुद ही अपने टेस्ट दे दीजिए, खुद ही अपना टेस्ट ले लीजिए, खुद ही देखिए कि आप कहाँ पे हो, वो भी आप कर सकते हो। चीज़ों को कैसे कलेक्ट करना है यार, लगातार पढ़ते रहिए, बस जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं लास्ट में उनका रिविज़न ज़रूर करके जाइए।
प्रदीप पहाड़िया कह रहे हैं, मैडम तैयारी तो अच्छे से कर रहा हूँ पर मन में एक डर बना रहता है, पिछली बार के जैसे फेल ना हो जाऊं, पर तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, टेस्ट सीरीज से भी डर लगता है, पिछली बार 23 नंबर से रह गया था। ये बहुत होता है कि हमें टेस्ट सीरीज से डर लगता है, हम पहले इतनी बार फेल हो चुके होते हैं कि हमें टेस्ट देने से भी डर लगता है कि यार कम नंबर आए तो इस बार नहीं हुआ। तो यार ये मत करिए कि आप टेस्ट देने से डर रहे हैं कि लास्ट टाइम पे आपको फिर कि यार अभी तैयारी नहीं है, मैं लास्ट में टेस्ट दूंगा, फिर है ना बहुत गड़बड़ हो जाती है, हमारा वो लास्ट दिन कभी नहीं आता है। किसी को मत बताइए यार, खुद ले आइए एक मॉक पेपर वाली जो सीरीज है वो खुद ले आइए, खुद दीजिए, कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ ना कि जब मैं लास्ट तक टेस्ट दे रही थी मेरे कभी भी इतने नंबर नहीं आए थे जितने कि एग्जाम में आने चाहिए, लेकिन जिस दिन मैं एग्जाम देने बैठे उस दिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये मेरा फाइनल एग्जाम है। उस दिन मुझे एग्जाम बहुत आसान लगा क्योंकि मैं उस प्रेशर को झेल चुकी थी, हर रोज झेलती थी मैं उस प्रेशर को। तो वैसे ही आप बन जाइए, टेस्ट हमारे को यहाँ से मजबूत करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए टेस्ट ज़रूर दीजिए, गलती मत कीजिए। फेल यार हम सब होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं कि एक बार में पास हो जाते हैं। अरे यार मैंने नेट में इतने कम नंबर से पास होती थी कि मतलब फेल होती थी वही आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से ज़्यादा शायद मैं कभी फेल ही नहीं हुई। और मुझे ना घर वाले ताने इस बात पर देते हैं, बेटा तू नेट तो पास कर नहीं पा रही, तू कहाँ से IAS बनेगी। और ये सच बात भी थी, इस बात का मेरे पास में कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि हम फेल हो रहे हैं तो हमारे पास हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, बिल्कुल हम सक्सेसफुल होंगे। अगर आप अपनी सफलता के लिए लगातार लगे पड़े हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अभिनंदन बर्णवाल जी कह रहे हैं, आप अपनी सिविल सर्विसेज विद IAS की जर्नी को भी ब्रीफ में बताइए। तो सिविल सर्विसेज की जर्नी वैसे तो मैंने जर्नी वाले वीडियो में बता रखी है, बट वो फर्स्ट ग्रेड तक की बताई थी। अब यार सिविल सर्विसेज में फाइनल सिलेक्शन तो हुआ नहीं, मतलब नौकरी तो मिली नहीं, तो क्या ही जर्नी बताऊँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ बतानी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ चाहिए हमें सिविल सर्विसेज वाली जर्नी भी, तो एक वीडियो उस पर ज़रूर बना दूंगी। रश्मि सिंह कह रहे हैं, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कोई अच्छी बुक या टेस्ट सीरीज। तो मैंने आपको बता दिया गरिमा पब्लिकेशंस का, आप जो स्कूल लेक्चरर की भी आती हैं, कॉलेज लेक्चरर की भी आती हैं, नेट की भी आती हैं, वो आप खरीद सकते हो। कुलहरी जी कह रहे हैं, मैम सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया, आप मेरा वीडियो देख सकते हो। क्या यूथ कंपटीशन के बाद में अरिहंत भी ज़रूरी है? मुझे नहीं पता यार, यूथ कंपटीशन अरिहंत मुझे तो नाम भी याद नहीं रहता, मैं तो बस ये बोलती हूँ भैया एक गाइड दे दो जो भी है, और मुझे मैं ये देखती हूँ कि पीछे सॉल्यूशन होने चाहिए गाइड में उसके, मैं वही खरीद लेती थी, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी खरीदने सारी एक जैसी आती है। गोपाल मीना, आपके आप चेहरे पे क्या लगाते हो, ब्यूटीफुल है यार, ऐसे कमेंट थोड़े से दूर रखो। अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो तो ऐसी चीज़ें कोई काम की नहीं होती हैं। देखने की सुंदरता 2 दिन की है, लेकिन आपके जो अंदर की सुंदरता है वह हमेशा आपके साथ रहेगी अगर आप अपने करेक्टर को निखारोगे, करेक्टर को निहारोगे। तो अपने करेक्टर को ऐसा बनाइए कि आपकी जो ऊपरी सुंदरता या बाहरी सुंदरता है वो लोग देखें ही नहीं, अंदर से इतने सुंदर हो कि आप जहाँ जा रहे हो लोग आपको झुक के नमस्कार करने के लिए मजबूर हो जाए। किशन खातिक, राजस्थान ज्योग्राफी का मैटर भी पोस्ट करें। तो राजस्थान ज्योग्राफी का मैटर मैंने लक्ष्य राजस्थान में से पढ़ा था, फिर भी अगर हमें टाइम मिलता है, एग्जाम एक्सटेंड होती है, तो ज़रूर उस पर भी आपके मतलब शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और मैम RPSC फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस कंटिन्यू रखना, टिल एग्जाम कंटिन्यू रहेंगे। मैम प्लीज़, दीपिका सिंह है, मैम प्लीज़ मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दीजिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि एक मंथली वीडियो बनाऊं जिससे मेरी भी तैयारी हो जाए, आपकी भी हो जाए। राजस्थान मंथली करंट अफेयर्स या बिल्कुल कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, इसके अलावा माउंट कौन है, माउंट सिंह रानावत का क्वेश्चन है, 45 दिन में स्कूल लेक्चरर की रणनीति के लिए किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, सिलेक्शन के करीब पहुँच जाए। मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है, फिजिकल ज्योग्राफी थॉट्स वाली और थोड़ा सा कार्टोग्राफी भी आप पढ़ सकते हैं, साथ ही राजस्थान की ज्योग्राफी भी साथ लेके चले, इंडियन ज्योग्राफी भी साथ लेके चले, करंट अफेयर्स पर भी जोड़ दें। ये सारे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ज़रूर थोड़ा सा फोकस करो। हाँ राहुल शर्मा जी, हेलो दी, कितने कम टाइम में स्मार्ट स्टडी कैसे करें और टाइम ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक्स पढ़ें? तो ये मैंने बहुत बार बता दिया अभी आपको, तो वही इसका आंसर है। कोमल जोरवाल, मैम प्लीज़ आप फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर, फर्स्ट ग्रेड का GK वाला पेपर पढ़ा दीजिए। यार इस बार तो पॉसिबल नहीं होगा, एग्ज़ाम एक्सटेंड होती है, तो मैं कोशिश करूँगी पढ़ा दूँ। जितेंद्र सिंह, इंडिया झिंझियाला का अजीमुत के नोट्स ले लिए तो बुक्स भी ज़रूरी होंगी क्या? जी नहीं, अजीमुत के अगर नोट्स ले लिए तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने पढ़े हैं अजीमुत के नोट्स, तो बहुत अच्छे हैं, बुक्स ज़रूरी नहीं है। फिर उसके अलावा आप एक टेस्ट वगैरह देते रहिए, काफ़ी है।
पवन जोशी मैम, प्लीज़ साइकोलॉजी के बारे में बताइए। मैंने बता दिया, अजय चौधरी का चैनल फॉलो कर लीजिए। फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी जारी रखें, हिम्मत लामा कह रहे हैं जारी रहेगी। राजस्थान जीके क्विज नमा महोदया, मैंने मैथ यूजी पीजी से की है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड साथ है आयोजित हो रही है, रेट क्वालिफाई की रही है, वीडियो में अंतिम चयन नहीं हुआ तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो प्री में बहुत सारे लोगों को पास कर दिया था, अंतिम चयन बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ, लेकिन ये तीन वैकेंसियाँ जो हैं आपको अंतिम चयन ज़रूर दिलाएंगी। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए और निराश होने की जरूरत नहीं है। वैकेंसीज जब सामने है ना हमारे, तब डरने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। फनी वीडियोस मैम आपके मेंस की कॉपी दिखा देंगे भाई, ठीक है, यही क्वेश्चन है बाकी। तो दोस्तों यही आपके क्वेश्चन थे, लगभग 67 वीडियो मैंने, 67 कमेंट मैंने सारे लेने की कोशिश करी है, आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए। मैं आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे लोगों की क्वेरी का आंसर दिया होगा। अगले संडे भी हम ऐसी क्विज आयोजित करने वाले हैं, तो लाइट चली गई। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और अगर आप ऐसे चाहते हैं कि ऐसे सीरीज हमारी और बनी रहे, तो आप लगातार वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। एक छोटा सा वीडियो है कम्युनिटी पोस्ट में फिर से कर दूंगी अगले फ्राइडे सैटरडे को, उसके नीचे और कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो यार चैनल को ग्रो करवाने में मदद करो, और क्या करो उसके लिए प्लीज़ आप अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करो चैनल को। अगर ग्रुप से ऐड हो तो ग्रुप पे शेयर करो, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे, साथ ही मेहनत भी यार थोड़ी तो काम आए, है ना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप सभी को प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। घबराने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जानी है, यकीन मानिए। मेरे को भी ऐसा लगता था, बहुत सालों से पढ़ रही हूँ यार कुछ नहीं हो रहा, लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप बहुत सारी एग्जामों में फेल हो गए तो बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, अगर आप पढ़ाई छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो बाकी अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के लिए यूँ ही बनाए रखिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।